हे गाइस, कैसे आप लोग। आज मैं करने वाला हूँ Redmi Note 11 Pro और Realme 9 Pro 5G के बीच स्पीड टेस्ट और साथ में कैमरा, डिस्प्ले, स्पीकर एंड बैटरी टेस्ट। अगर किसी भी एंगल से वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोनों स्मार्टफोन मेरा 6GB रैम वेरियंट है। दोनों स्मार्टफोन का 6GB 128GB स्टोरेज वेरियंट आपको मिल जाएगा 17,999 रुपए में। बिल्ड और डिजाइन की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन प्लास्टिक का है। दोनों स्मार्टफोन सुपर ग्लॉसी है, सुपर शाइनी है। दोनों स्मार्टफोन का लुक और डिजाइन मुझे अच्छा लगा, ओके लगा। आप दोनों में से कोई भी पिक कर सकते हो। Realme के स्मार्टफोन में एक चीज मुझे अच्छी लगती है, पावर बटन एक तरफ होता है तो दूसरी तरफ वॉल्यूम बटन होता है। थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है बटन्स को यूज करना। एंड Redmi के स्मार्टफोन में आपको आयर ब्लास्टर मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का डिस्प्ले का साइज ऑलमोस्ट सेम है। दोनों स्मार्टफोन में बैटरी कैपेसिटी भी सेम है 5000 mAh की, लेकिन Redmi Note 11 Pro का वेट थोड़ा सा ज्यादा है एंड थिकनेस ज्यादा है Realme 9 Pro का। बट दिखने में आपको ऐसा लगेगा Note 11 Pro ज्यादा थिक है। इसका रीजन है बॉक्सी डिजाइन और Realme 9 Pro में आपको डिजाइन में कर्व देखने को मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन हाथ में लेने के बाद बहुत ज्यादा स्लिम फील नहीं होता, बहुत ज्यादा लाइट फील नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा हेवी भी फील नहीं होता। Note 11 Pro का बैक बिल्कुल फ्लैट है, Realme 9 Pro में थोड़ा सा कर्व देखने को मिलेगा, इसलिए ग्रिप थोड़ा सा बेटर फील होगा 9 Pro में। दोनों स्मार्टफोन में दो माइक मिल जाएगा, हेडफोन जैक मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा। Note 11 Pro डुअल स्पीकर ऑफर करता है और Realme 9 Pro सिंगल स्पीकर। Realme 9 Pro का सिंगल स्पीकर लाउड इनफ है, क्वालिटी भी ओके है, यानी आपको ठीक ठाक एक्सपीरियंस होगा। लेकिन Redmi Note 11 Pro से अगर मैं कंपेयर करूं तो Note 11 Pro मच बेटर है। Note 11 Pro का डॉल्बी स्टीरियो स्पीकर लाउडर है एंड क्वालिटी की अगर बात करूं, म्यूजिक एक्सपीरियंस की बात करूं तो मच बेटर लगेगा आपको Note 11 Pro। अब गाइस डिस्प्ले, इस डिपार्टमेंट में Redmi Note 11 Pro अगेन विनर है। 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले ऑफर करता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ और Realme 9 Pro में आपको मिल जाएगा 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले अगेन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। बट टच सैम्पलिंग रेट Note 11 Pro ऑफर करता है 360 हर्ट्ज और Realme 9 Pro 240 हर्ट्ज। Realme 9 Pro 5G का डिस्प्ले ब्राइट है, इंडोर हो या फिर आउटडोर आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, डायरेक्ट सनलाइट के नीचे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन Redmi Note 11 Pro मच बेटर। Note 11 Pro में पीक ब्राइटनेस है 1200 nits और Realme 9 Pro में 600 nits। गाइस सॉफ्टवेयर की बात करूं तो Redmi Note 11 Pro में आपको मिल जाएगा MIUI 13 आउट ऑफ द बॉक्स और Realme 9 Pro में Realme UI 3.0। बट Redmi Note 11 Pro में Android 11 के साथ और Realme 9 Pro में लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंड्रॉइड 12 के साथ। दोनों स्मार्टफोन में स्क्रीन ऑन टाइम 5 मिनट सेट है। दोनों स्मार्टफोन मैक्सिमम रिफ्रेश रेट पे मैंने सेट कर दिया है। दोनों स्मार्टफोन में गेम स्पेस, गेम टर्बो से सारे ऐप्स को रिमूव कर दिया। तो चले सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन को हम एक बार रिबूट कर लेते हैं। Note 11 Pro पहले बूट हो गया 33 सेकंड्स में और Realme 9 Pro 5G ने थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया 41 सेकंड्स। अब गाइस हम ट्राई करेंगे दोनों स्मार्टफोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर अच्छे से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दोनों स्मार्टफोन को साइड बाई साइड ट्राई करने के बाद दोनों स्मार्टफोन स्पीड में मुझे सेम लग रहा है, थोड़ा सा स्लो लग रहा है Note 11 Pro, वो एक्चुअली एनिमेशन की वजह से। लेकिन जब आप ध्यान से देखो तो स्क्रीन जो है अनलॉक हो रहा है वो बिल्कुल सेम टाइम पे हो रहा है। एंड फेस अनलॉकिंग सिस्टम की बात करो तो दोनों स्मार्टफोन फिंगरप्रिंट स्कैनर डिसेबल करके मैंने अगेन दोनों को साइड बाय साइड ट्राई करके देखा और इस बार मुझे Realme 9 Pro थोड़ा सा फास्ट लग रहा है। दोनों स्मार्टफोन मेरा 6GB रैम वेरिएंट है। दोनों स्मार्टफोन के साथ मैंने 2GB वर्चुअल रैम ऐड कर दिया है। Redmi Note 11 Pro को पावर दिया MediaTek Helio G96 ने और Realme 9 Pro 5G को Snapdragon 695 ने। अब गाइस स्पीड टेस्ट, दोनों स्मार्टफोन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। Note 11 Pro में 360 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट मिल जाएगा और Realme 9 Pro 5G में 240 हर्ट्ज। दोनों स्मार्टफोन में LPDDR4X रैम मिल जाएगा एंड स्टोरेज टाइप UFS 2.2। स्पीड की बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन फास्ट है, क्विक है, दोनों स्मार्टफोन रिस्पॉन्सिव है, स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन में ऐप ओपनिंग स्पीड की बात करूं तो नॉर्मल ऐप्स में डे टू डे एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो आपको दोनों स्मार्टफोन काफी सिमिलर लगेगा, लेकिन हेवी टास्क लोड करने में, स्पेशली गेम्स लोड करने में आपको Realme 9 Pro थोड़ा सा क्विक लगेगा।
स्पीड टेस्ट का क्लियर विनर है Realme 9 Pro। नॉर्मल ऐप्स में, इंटरनेट बेस्ड ऐप्स में दोनों स्मार्टफोन काफी क्लोज लगा, लेकिन गेम्स की अगर बात करूँ, हेवी टास्क की बात करूँ, तो Realme 9 Pro ने सारे गेम्स को पहले लोड किया। अब गाइस, रैम मैनेजमेंट, मल्टी टास्किंग, मल्टीटास्किंग में दोनों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस अच्छा था। 14-15 ऐप्स इंक्लूडिंग 5 गेम्स को हैंडल करना इजी जॉब नहीं था, लेकिन दोनों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस डिसेंट देखने को मिला, लेकिन नोट 11 प्रो बेटा दिखा। दो एक्स्ट्रा गेम्स होल्ड कर रखा था नोट 11 प्रो ने। दोनों स्मार्टफोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो चलिए चेक करते हैं दोनों स्मार्टफोन का डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड। इस बार Realme 9 Pro 5G क्लियर विनर है, डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड दोनों अच्छे मार्जिन के साथ ज्यादा दिख रहा है। अब गाइस, दोनों स्मार्टफोन में हम सेम वाईफाई नेटवर्क की मदद से एक गेम इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से 340 एमबी का स्टॉपवॉच लगाकर बारी बारी से। तो Realme 9 Pro 5G ने 49 सेकंड्स लिया गेम इंस्टॉल करने में, जो कि काफी अच्छा स्पीड है। अब देखते हैं Note 11 Pro कितना टाइम लेता है। इस बार Note 11 Pro थोड़ा सा पीछे रह गया, 1:07 में 1:07 में गेम इंस्टॉल किया, 18 सेकंड्स ज्यादा लिया Realme 9 Pro से। अब गाइस, वीडियो रेंडरिंग टेस्ट, दोनों स्मार्टफोन में कुछ वीडियोस को हम एडिट करके देखेंगे दोनों स्मार्टफोन वीडियो रेंडर करने में कितना टाइम लेता है। दोनों स्मार्टफोन में दो सेम फाइल्स लगभग 1.5 GB के आसपास का मैंने ट्रांसफर कर दिया है। दोनों स्मार्टफोन में हम फुल HD रेजोल्यूशन में वीडियोस को एडिट करेंगे, बेटर रहेगा, बेटर क्वालिटी और फ्रेम रेट रहेगा 30 FPS। एंड इस बार Redmi Note 11 Pro आगे निकल गया, 3:03 में 3:03 में वीडियो रेंडर कर लिया, और Realme 9 Pro ने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया, 3:31 3:31। तो अब चेक करना है हमें दोनों स्मार्टफोन का रीड एंड राइट स्पीड। रीड स्पीड में दोनों स्मार्टफोन लगभग सेम है, थोड़ा सा ज्यादा आया Realme 9 Pro का, लेकिन राइट स्पीड में Note 11 Pro मच बेटर दिख रहा है, 4 गुना ज्यादा आया। ओवरऑल नंबर्स के हिसाब से Note 11 Pro विनर है। तो अब चेक कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन का लेटेस्ट एंड्रॉइड स्कोर। Snapdragon 695 यानी Realme 9 Pro 5G का 88,000 स्कोर ज्यादा दिख रहा है, और गाइस CPU और GPU स्कोर भी Realme 9 Pro 5G का ज्यादा दिख रहा है। अब Geekbench 5 का स्कोर चेक कर लेते हैं। अगेन सिंगल एंड मल्टी कोर दोनों स्कोर ज्यादा दिख रहा है Realme 9 Pro 5G का अच्छे मार्जिन के साथ। इतने सारे टेस्ट के बाद दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर पे थोड़ा सा लोड पड़ा है, तो क्यों ना 15 मिनट का CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करके देखा जाए। वाओ, तो गाइस दोनों स्मार्टफोन में सेम परफॉर्मेंस देखने को मिला, दोनों स्मार्टफोन का स्कोर जो है वो 87% आया। वीडियो के स्टार्ट में मैंने दोनों स्मार्टफोन का बैटरी फुल कर दिया था, दोनों स्मार्टफोन में बैटरी कैपेसिटी सेम है 5000 mAh की। दोनों स्मार्टफोन में मैंने डिस्प्ले टेस्ट किया, स्पीकर टेस्ट किया और इतना सारा टेस्ट किया, तो चलिए देखते हैं दोनों स्मार्टफोन में कितना बैटरी ड्रॉप हुआ है। अगेन टाई, दोनों स्मार्टफोन में 15% बैटरी ड्रॉप हुआ है इतने सारे टेस्ट के बाद। बैटरी कैपेसिटी दोनों स्मार्टफोन की सेम है 5000 mAh की, लेकिन चार्जिंग स्पीड सेम नहीं है। Note 11 Pro ऑफर करता है 67W का फास्ट चार्जिंग और Realme 9 Pro 33W का। अब गाइस कैमरा, Note 11 Pro ऑफर करता है 108 MP का क्वाड कैमरा सेटअप, साथ में 8 MP का वाइड एंगल लेंस भी, और Realme 9 Pro ऑफर करता है 64 MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, साथ में 8 MP का वाइड एंगल लेंस। यानी दोनों स्मार्टफोन में वाइड एंगल कैमरा भी आपको मिल जाएगा, और दोनों स्मार्टफोन में 16 MP का फ्रंट कैमरा यानी सेल्फी शूटर मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन के कैमरे से कुछ शॉट्स मैंने क्लिक किया जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। एक तरफ है 108 MP का कैमरा और दूसरी तरफ है 64 MP का। साथ में गाइस मैंने दोनों स्मार्टफोन के वाइड एंगल कैमरा से भी कुछ शॉट्स लिया है, कुछ लो लाइट में लिया है एंड कुछ सेल्फीज का सैंपल भी शेयर कर रहा। फोन के टेम्परेचर की बात करूं तो Note 11 Pro का टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास था, मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री दिखा, यानी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा। और Realme 9 Pro का टेम्परेचर स्टार्टिंग में 34 डिग्री के आसपास था, मैक्सिमम 44 डिग्री दिखा, अगेन 10 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर किसी भी एंगल से ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो शेयर कर देना, और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।